स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम देखते हैं ईवीएस का लेसन 10, बीक्स एंड क्लॉज। बीक्स मतलब चोंच एंड और क्लॉज, क्लॉज मतलब पंजे। तो चलो शुरू करते हैं हम। ऑल एनिमल्स, सभी जानवर नीड टू ईट फॉर देयर सर्वाइवल। ऑल एनिमल्स, सभी जानवरों को नीड, जरूरी है, आवश्यक है, टू ईट, खाना, फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर मतलब के लिए, देयर उनके, सर्वाइवल जीवित रहने के लिए, सभी एनिमल्स को जीवित रहने के लिए क्या जरूरी है, खाना। दे आल्सो हैव टीथ, दे आल्सो हैव टीथ, दे मतलब वे, आल्सो मतलब भी, हैव रखते हैं, टीथ वे दांत भी रखते हैं। एज लर्न इन द अर्लियर चैप्टर, जैसे हम पहले के चैप्टर में देख चुके हैं, टू बाइट, च्यू एंड क्रश फूड, भोजन को चबाने के लिए, काटने के लिए और क्रश करने के लिए, उसको भोजन को क्रश करने के लिए, चबाने के लिए और काटने के लिए हमें क्या चाहिए, दांत चाहिए होते हैं। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, लेकिन आपको पता है कि बर्ड्स के टीथ नहीं होते, बर्ड्स के दांत नहीं होते हैं, वो अपने भोजन को बाइट, क्रश और च्यू करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर बीक्स, अपनी चोंच की सहायता से। दे बाइट, क्रश एंड च्यू फूड विद द हेल्प ऑफ देयर बीक्स, वे अपने चोंच की सहायता से भोजन को च्यू करते हैं, क्रश करते हैं और बाइट करते हैं। टाइप्स ऑफ बीक्स इन डिफरेंट बर्ड्स डिपेंड अपॉन देयर ईटिंग हैबिट्स, अलग अलग प्रकार के जो बीक्स हैं, टाइप्स ऑफ बीक्स, जो बीक्स के प्रकार हैं, डिफरेंट बर्ड्स, अलग अलग पक्षियों के अंदर डिपेंड, निर्भर करता है अपॉन देयर ईटिंग हैबिट्स, उनकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स पर डिपेंड करता है उनकी बीक कैसी होगी। बिकम लाइक ए बर्ड्स, एक पक्षी की तरह बनो। एक्सपेंड योर विंग्स, अपने पंखों को फैला दो। लर्न न्यू थिंग्स, और नई चीज़ें सीखो। फ्लाई हाई एज यू कैन, और इतना उड़ाओ जो जितना कि आप उड़ सकते हो। आगे देखते हैं बेटा हम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स, अलग अलग प्रकार के बीक्स चोंचे, यह बर्ड्स, उनका बीक्स, उनका शेप और उनका यूज और टाइप, ठीक है बेटा। तो फिर शुरू करते हैं हम। फर्स्ट है आवल्स, ईगल्स, वल्चर्स, क्वॉक्स, ये सब क्या है, बर्ड्स हैं, और इनकी जो बीक होती है वो कैसे हुक्ड शेप, कैसी होती है, हुक, आगे की तरह से थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, जिसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं इसकी जो चोंच आगे की तरह इस प्रकार से मुड़ी हुई है। इसका टाइप क्या, यूज़ क्या है, इसका टाइप है स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक। इसका यूज़ क्या है, बाइट एंड टीयर्स द प्रे इनटू स्मॉल पीसेज, जो इनकी चोंच होती है, ये प्रे, प्रे मतलब शिकार, जो इनका शिकार होता है, इनका भोजन होता है, इनको बाइट करते हैं और टीयर करते हैं, उनको छीलने का काम करते हैं। फिर नेक्स्ट है किंगफिशर, हेरॉन्स, जो बर्ड्स है किंगफिशर और हेरॉन्स, उनकी जो बीक्स होती है वो कैसी होती है, स्पीयर शेप्ड, कैसी होती है, स्पीयर शेप्ड होती है, लॉन्ग, लंबी, शार्प, नुकीली एंड पॉइंटेड बीक, हेल्प्स टू कैच फिश, जो कि मछली पकड़ने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है डक्स एंड स्वान्स, स्ट्रेनर, इनकी जो बीक होती है कैसी होती है, स्ट्रेनर होती है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत एंड फ्लैट बीक विद स्ट्रेनर्स ऑल अलोंग द एज अलाउज वाटर एंड मड टू गो आउट थ्रू इट, ये क्या करती है, इतनी पहली पैनी होती है कि ये वाटर और मड में सीधे चल जाती है, वहाँ से अपने भोजन को ले आती हैं। आगे देखो वुडपैकर्स, इसकी जो बीक होती है वो होती है चीजल शेप्ड, छेनी की जैसी, जो छेनी होती है ना उसके समान, लॉन्ग, लंबी एंड सिलेंडर बीक, टैपरिंग एट द टिप्स हेल्प टू मेक होल्स एंड कैचेज इंसेक्ट इन द ट्री ट्रंक्स, ये क्या करती है, टैपरिंग करती हैं, एट द टिप्स हेल्प टू मेक होल्स, जो पेड़ वगैरह होते हैं उसके अंदर होल करने में हेल्प करती हैं और वहाँ से कैच करती है इंसेक्ट, जो ट्री के ट्रंक होते हैं, ट्री के ट्रंक तने में से इंसेक्ट को कैच करने में हेल्प करती हैं। इनकी जो बीक होती है वो चीजल शेप्ड होती है, छेनी के जैसे। हुप्स और वार्बलर्स, इनकी जो बीक्स होती होते हैं ट्वीजर शेप्ड, कैसी होती है, ट्वीजर शेप्ड होती है, चिमटी की तरह होती है, लॉन्ग एंड थिन बीक हेल्प्स टू पुल आउट इंसेक्ट फ्रॉम होल्स इन द ग्राउंड, जो मिट्टी के अंदर होल्स होते हैं वहाँ से इंसेक्ट निकालने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बेटा स्पैरो एंड पिकॉक्स, स्पैरो और पिकॉक्स जो बीक्स होती है वो क्रैकर शेप होती है, कैसी होती है, क्रैकर शेप, शॉर्ट, थिक एंड कॉनिकल बीक, हेल्प टू ब्रेक एंड क्रश सीड, जो कि अपने फूड को ब्रेक करने में और क्रश करने में हेल्प करती है। आगे देखते हैं जैसे हम हमिंग बर्ड्स एंड सन बर्ड्स, इनकी जो सीड होती है प्रोबिंग सीड होती है, क्या होती है, प्रोबिंग सीड, लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टोर लाइक बीक्स हेल्प्स टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, जो कि फ्लावर्स में से नेक्टर को सक करने में, चूसने में मदद करती है, ठीक है बेटा।
आगे हम देखते हैं, बर्ड्स यूज देयर बीक्स फॉर ईटिंग। बर्ड्स अपनी बीक का यूज ईटिंग खाने के लिए करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर यूज ऑफ बीक्स? क्या आप पक्षियों के बीक्स का दूसरा उपयोग भी थिंक सोच सकते हो? तो बेटा सोचो इसको, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास अब हम पढ़ते हैं। हमने बीक पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्लास के बारे में कि जो अलग अलग क्लास होते हैं, किस प्रकार क्लास होते हैं, उनमें क्या क्या उनके फीचर्स होते हैं, देखते हैं। पहले क्लास इज ए कर्व्ड पॉइंटेड स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ ए टो। जो क्लास होते हैं, पंजे होते हैं, कैसे होते हैं? मुड़े होते हैं। जो पक्षी के पंजे होते हैं कैसे होते हैं? मुड़े होते हैं। पॉइंटेड नुकीले होते हैं स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ टो। अंगुलियों की जो अगला पॉइंटेड हिस्सा होता है कैसा होता है? नुकीला होता है। और एक फिंगर इन बर्ड्स, और पक्षियों के अंदर जो फिंगर्स होते हैं उनका आखिरी हिस्सा नुकीला और मुड़ा हुआ होता है, जिसको बोलते हैं क्लास। क्या बोलते हैं? क्लास। क्लास आर यूज फॉर मूवमेंट, इनका उपयोग करते हैं मूवमेंट के लिए। पर्चिंग एंड कैचिंग द प्रे, पर्चिंग पेड़ों पे बैठने के लिए, लटकने के लिए, पकड़ने के लिए, द प्रे शिकार को पकड़ने के लिए, अपने भोजन को पकड़ने के लिए। टाइप्स ऑफ क्लास डिपेंड अपॉन द पर्चिंग एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ द बर्ड्स। जो क्लास की टाइप हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? पक्षियों की फीडिंग हैबिट पर और पर्चिंग पर। पर्चिंग क्या है? पर्चिंग है ग्रिपिंग द ब्रांचेज, ब्रांचेज को पकड़ने की जो उनकी टेंडेंसी होती है उसको बोलते हैं पर्चिंग। नेक्स्ट है वाटर बर्ड्स, जल में रहने वाले पक्षी, जलीय पक्षी। बर्ड्स लाइक डक्स, स्वान्स एंड गीज हैव वेबड फीट। जो बर्ड वाटर के अंदर स्विमिंग करते हैं उनके जो फीट होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? वेब लगे होते हैं, वेबड फीट होते हैं, जालीदार पंजे होते हैं। दे एक्ट एज पैडल्स एंड हेल्प इन स्विमिंग। वो कैसे करते हैं? पैडल की तरह कार्य करते हैं और स्विमिंग में हेल्प करते हैं। जैसे हम नाव चलाते हैं तो पैडल्स उसमें मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं ना, उसी प्रकार से जिनको फीट होते हैं उसमें वेब फीट होते हैं जो कि पैडल्स के लिए और स्विमिंग में हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट है फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। फ्लैश मतलब मांस, ईटिंग्स खाने वाले बर्ड्स पक्षी। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड हॉक्स हैव शार्प कर्व्ड क्लॉज कॉल्ड टैलन्स। जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं उनके जो, जैसे कि ईगल और हॉक, उनके जो क्लॉज होती है शार्प होते हैं, कर्व्ड नुकीले और कर्व्ड मुड़े हुए होते हैं, उनको बोलते हैं टैलन्स। क्या बोलते हैं? टैलन्स। दे आर यूज टू ग्रिप एंड कैरी द प्रे, भी किस में यूज करते हैं? ग्रिप पकड़ने में और प्रे को ले जाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्क्रैचिंग बर्ड्स। कॉक्स एंड हेंस स्क्रैच द ग्राउंड टू ईट सीड्स एंड इंसेक्ट्स। जो कॉक और हेन होते हैं वो ग्राउंड को स्क्रैच करते हैं, खरोंच देते हैं टू ईट सीड्स, सीड्स खाने के लिए और इंसेक्ट्स खाने के लिए, कीड़ों को खाने के लिए। दे आर क्लास हैव थ्री स्ट्रॉन्ग टोस इन फ्रंट एंड वन शॉर्ट टो एट द बैक। जो उनके क्लास होते हैं उसके थ्री तो आगे की तरफ स्ट्रॉन्ग टोस होते हैं और एक पीछे की तरफ होता है, ठीक है बेटा। तो कि इनके प्रे को पकड़ने में काम आता है और ये मिट्टी खोदने के काम में लेते हैं। फिर है पर्चिंग बर्ड्स। पर्चिंग मतलब किसी भी ब्रांच के ऊपर जो ग्रिपिंग रखते हैं, पकड़ा रखते हैं, उसको बोलते हैं पर्चिंग। तो पक्षी जो पेड़ पे बैठते हैं, शाखाओं बैठते हैं, उनके लिए बात है पर्चिंग बर्ड्स। क्रो स्पैरोस स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम पर्चिंग ऑन ट्रीज। जो पक्षी होते हैं जैसे क्रो और स्पैरो, वो अपना अधिकांश समय पेड़ की टहनियों पर बैठकर निकालते हैं, बिताते हैं। दे हैव दे थ्री टोज इन फ्रंट एंड वन एट द बैक। उनके थ्री टोज आगे की तरफ होते हैं और एक पीछे की तरफ होता है, जिसे हम डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें 1, 2, 3 आगे की तरफ है और एक टो पीछे की तरफ है। दे होल्ड द ब्रांचेज फ्रिमली विद देयर टोज। वे ब्रांचेज को अपने टोज की हेल्प से फ्रिमली मजबूती से पकड़े रखते हैं, मजबूती से पकड़े रखते हैं, फ्रिमली मजबूती से विद देयर टोज, अपनी टोज की हेल्प से पकड़ते हैं। ग्रिपिंग द ब्रांचेज इज कॉल्ड पर्चिंग। और जो ब्रांचेज को ग्रिप करते हैं उसको बोलते हैं पर्चिंग। क्या बोलते हैं? पर्चिंग। नेक्स्ट है ड्रा पिक्चर ऑफ ए बर्ड एंड लेबल इट्स बॉडी पार्ट्स। अब बेटा आपको एक सुंदर सा बर्ड का डायग्राम बनाना है और उसको उसके बॉडी पार्ट्स के नेम लिखने, लेबल देना उनको, ठीक है बेटा। आगे हम देखते हैं इसके अंदर क्लाइंबिंग बर्ड्स। क्लाइंबिंग चढ़ने वाले बर्ड्स पक्षी। जो पक्षी ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। बर्ड्स लाइक वुडपैकर एंड पैरट्स हैव टू टोज पॉइंटिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो वुडपैकर है और पैरट है उनके जो टोज होते हैं, उसके टू टोज होते हैं ना, वो आगे की तरफ फॉरवर्ड होते हैं, आगे की दिशा में, टू टोज पॉइंटिंग बैकवर्ड्स, और दो टो होते हैं पीछे की तरफ, मतलब टोटल फोर टोज होते हैं।
तो दो टोस आगे की तरफ फॉरवर्ड होते हैं और दो टो बैकवर्ड होते हैं। दे ग्रिप ऑन द ट्री विद द बैक टोस। वे जो पक्षी होते हैं कौन, पैरेट्स और वुडपेकर, वे ट्री के ऊपर जो ग्रिप करते हैं वो बैक टोस की हेल्प से करते हैं। वाइल्स क्लाइंबिंग ट्रीज, क्लाइंबिंग ट्रीज, दे ग्रिप ऑन द ट्री विद द बैक टोस वाइल क्लाइंबिंग ट्रीज। जो पेड़ पे चढ़ते हैं तो पेड़ पे जो ट्री पर जो ग्रिप करते हैं वो बैक टोस की हेल्प से करते हैं। दे होल्ड देयर फूड विद देयर फ्रंट टोस, और अपना वो भोजन पकड़ते हैं वो फ्रंट टोस की हेल्प से पकड़ते हैं। तो उनके फ्रंट टोस और बैक टोस का अलग अलग फंक्शन होता है। फ्रंट टोस से अपना फूड लेते हैं जबकि बैक टोस से वो पेड़ पर चढ़ने में हेल्प लेते हैं। अब देखते हैं बेटा इसके चैप्टर के हार्ड वर्ड्स। तो बेटा हार्ड वर्ड्स देखते हैं इसके। फर्स्ट है च्यू, CHEW, च्यू, च्यू मतलब चबाना। PREY, प्रे, प्रे मतलब शिकार। SPAR, स्पीयर, स्पीयर मतलब भाला। स्ट्रेनर, STRAIN, स्ट्रेनर मतलब झरनी। चीजल शिफ्ट, CHISEL SHAPD, चीजल शिफ्ट मतलब छेनी की आकृति, ऐसी होती है छेनी की आकृति। नेक्स्ट है HOLES, होल्स, होल्स मतलब छेद। ट्विजर, TWEZERS, ट्विजर्स मतलब चिमटी, चिमटियाँ होती है ना इस प्रकार से। कॉनिकल, CONICAL, कॉनिकल, कॉनिकल मतलब चोटीदार या शंकुआकार, चोटीदार होता है ना जिसमें भगवान को पानी चढ़ाते हैं इस प्रकार, आगे से नलकी लगी होती है इसी प्रकार से, उसको चोटीदार। फिर है क्ला, CLAW, क्ला, क्ला मतलब पंजा। वेब्ड, WEBED, वेब्ड, वेब्ड मतलब जालीदार। स्क्रैच, SCRATCH, स्क्रैच मतलब खरोंच। पर्चिंग, PERCHING, पर्चिंग मतलब अड्डे पर बैठना या फिर डाल पर बैठना। बैकवर्ड, BACKWARD, बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ, और फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ। नेक्स्ट है टोज, TOES, टोज मतलब पैर की उंगलियां। क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब मतलब ऊपर चढ़ना। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। ओके बेटा, थैंक यू।